नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जो है UPSC 2021 के नतीजे जो है जारी किए गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं खास करके जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है मोटिवेशन आपको बताने वाला हूं, जिसको दोस्तों सुनकर, जिसके बारे में जानकर, आप हिंदी मीडियम से हो, आप अपने आप को जो है कमतर नहीं आंकेंगे किसी भी मीडियम की तुलना में। दोस्तों, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी कितना ज़्यादा जो है ग्रो कर सकता है, कितना ज़्यादा सुधार कर सकता है, आप सोच सकते हो। दोस्तों, इस बार रवि कुमार सिहाग जी हिंदी मीडियम से 18 रैंक लाए हैं, ऑल इंडिया 18 रैंक दोस्तों उनकी आई है, और ये हिंदी मीडियम में दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, लेकिन 2018 में जब उन्होंने पहली बार परीक्षा दी थी या पहली बार वो सिलेक्ट हुए थे, तो दोस्तों उनकी कहीं कहीं अलग अलग रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन उनकी जो है 300 लगभग 400 के आसपास रैंक थी, 391 या फिर कहीं 377 ऐसे रैंक जो है मिलती है। फिर दोस्तों 2019 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी तो उनकी 317 के आसपास जो है रैंक आई थी, या 317 हम मान लें। लेकिन दोस्तों इस बार उन्होंने कमाल कर दिया और 300 की रैंक से दोस्तों उन्होंने छलांग लगाकर मात्र 18वीं रैंक जो है उनकी आई है। तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को कमतर ना आंकें, आपको भी मार्क्स मिलेंगे बशर्ते आप जो है अच्छा लिखें। यदि आप उनकी मार्कशीट देखना चाहते हो तो मैंने चैनल पर दोस्तों शेयर की है, उनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, उनका हिंदी ऑप्शनल क्या, उनका जो है ऑप्शनल क्या था, ये सभी जानकारी आपको वीडियो में मैंने बताई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।